हे दोस्तों, अगर मैं बात करूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में, तो यहां पे कौन कौन से बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टेनवर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, और कौन कौन सी अलग और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज बने रहिए आप मेरे साथ इसी वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के आखिर तक। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में, तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे अच्छी स्कीम मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है और गारंटीड रिटर्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साइलेंट फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टेनवर स्कीम का जो रहेगा वो रहेगा 5 ईयर्स का, जो कि 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं आप, जो कि हो जाएगा टोटल इन 8 ईयर्स आप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी उम्र अब 50 साल है, 50 साल के अंदर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 55 साल के अंदर ले सकते हैं, या फिर 58 की एज के अंदर आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूँ, जो कि है 8.7% का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंटली कंप्लेनिंग इंटरेस्ट के बारे में, जो कि रहता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने के अंदर वो चेंज होता रहता है। टैक्स बेनिफिट की बात करूं, यहाँ पे टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल है, जो कि यहाँ पे मैं बात करूं इंटरेस्ट जो रहेगा वो पूरा टैक्सेबल रहेगा, अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1000 रुपये की कर सकते हैं और 1000 रुपये के मल्टीपल में आप इसके अंदर पैसे जमा करा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए 60 ईयर से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में, जो कि आप हो सकते हैं तो आप इसके लिए अकाउंट खोल सकते हैं। फैसिलिटी प्रीमैच्योर क्लोजर 1 साल के बाद आप इसको करा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरा सजेशन ये है कि मत कराइएगा, लेकिन कभी भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो 1 साल के बाद इसको प्री क्लोजर भी करा सकते हैं। अगर मैं दोस्तों यहां पे बात करूं ट्रांसफरेबल फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे किसी को भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल आपको ज़रूर रहेगी। और इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप ब्रांच में जाकर के ले सकते हैं, और अगर आप करना चाहें कॉल, तो इसी नंबर पे कॉल करके इस फैसिलिटी के बारे में पूरी जानकारी कस्टमर केयर से भी ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।